फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पपीता के फूल की आपको सब्जी बनाकर दिखाएंगे। इसकी सब्जी बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसकी तोड़कर इसको बॉईल कर लिया था। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी येलो फूल को तोड़कर इस तरीके से बॉईल कर लिया था, नमक और हल्दी डालकर। और हमने इसकी सब्जी बनाने के लिए सूखा हुआ धनिया, हरी मिर्च, प्याज, शिमला, लहसुन और फ्रेंड्स हमने आलू को भी बॉईल कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बॉईल करने के बाद इस तरह से इसका पानी निकला। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। हम इसमें मूंगफली तेल ऑयल कर रहे हैं, चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें राई और सरसों के दाने ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, लाल मिर्च, लहसुन ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे। हमने इसमें पूरी प्याज भी ऐड कर दी है। फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से चला देंगे। ये फिर जो आलू को हमने बॉईल किया था उनको हम पानी से निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स, प्याज हमारे हल्के सुनहरी कलर के हो गए हैं। हमने आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं किया, इस तरीके से बॉईल किया है, हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ये फ्रेंड्स, जो हमने पपीता के फूल को बॉईल किया था उसको हमने एक और बार धो लिया। उसके बाद हम उसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बस इसमें से इतने से ही फूल निकले, क्योंकि बाकी हरे हैं और ये ज़्यादा कड़वे होते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें नमक ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड कर, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर जो हमने आलू को बॉईल किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और आप इस सब्जी को किस तरीके से बनाते हो अपनी शेप में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शुगर की मरीज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। देखिए फ्रेंड्स, पपीता की फूल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और आप इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।